गुड आफ्टरनून. काफ़ी दिन हो गए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है कि वो जो नया घर बनने वाला है उस साइट पे अभी कहाँ तक काम मतलब हुआ है. कंस्ट्रक्शन का घर का काम तो कुछ अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, बस हाइड्रेन के ऊपर स्लैब का काम हुआ है और उसी के सामने आगे जो बाउंड्री वॉल है वो बन चुका है, प्लास्टर हो चुका है क्योंकि फ्यूचर में हम वहाँ पे टाइल्स लगाने वाले हैं और वहाँ पे 3 गेट्स होने वाले हैं. उस साइड में 2 बड़ी स्लाइडिंग गेट्स, एक कार के लिए, गैराज के लिए, और दूसरी वाली बस ऐसे ही फ्यूचर में कोई काम हो, ज़रूरत पड़े तो इसीलिए. और एक छोटी सी गेट जो ग्राउंड फ्लोर, नए घर के ग्राउंड फ्लोर में जो रेंट पे रहने वाले हैं उनके लिए. और हमारा पर्सनल गेट इस साइड में बनेगा, मतलब वेस्ट साइड में, और वो 3 गेट्स बन रहे हैं साउथ के साइड में. तो मैंने अभी तक, अभी लास्ट वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया था जो स्लैब बन रहा था ड्रेन के ऊपर, उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने शेयर किया था. और पर मैंने वो पूरा एरिया पूरा मैस हो वो मतलब हुआ पड़ा है, वो मैंने शेयर नहीं किया था. अभी साफ़ करना बाकी है उस जगह को, जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसको साफ़ करना बाकी है. आज एक वर्कर आया था साफ़ करने के लिए, लेकिन इतनी गर्मी है कुछ दिनों से कि उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो वो घर जल्दी चला गया. कल वापस आने वाला है करने के लिए और होपफुली कल परसों तक साफ़ सफाई हो जाएगा ये जगह का, जो साइट है उसका. उसके बाद वहाँ पे 3-4 ट्रक शायद मिट्टी डालना पड़ेगा क्योंकि वो जो लैंड है उसको थोड़ा लेवल करने के लिए, क्योंकि नीचा थोड़ा, मतलब क्या बोले, उसको सही लेवल पे नहीं है, थोड़ा वो करने के लिए, सही करने के लिए. और उसके बाद भूमि पूजन, क्योंकि साफ हो चुका होगा. भूमि पूजन के बाद जो मेन जो कंस्ट्रक्शन, जो एक बिल्डिंग का काम होता है वो शुरू होगा. मतलब हम बस प्रे कर रहे थे कि बहुत जल्दी बारिश ना शुरू हो, पर ये उल्टा हो गया. इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई है कि कोई भी काम नहीं कर पा रहा है इतनी गर्मी में. तो बस बारिश भी ना हो और इतनी गर्मी भी ना हो, बस ऐसा वेदर हो, बस वही मतलब प्रे कर रहे हैं. तो मैंने शेयर क्योंकि नहीं किया था आपके साथ, तो मैं आज थोड़ा, जितना भी थोड़ा बहुत हुआ है वो शेयर करूँगी. ये जो है कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे नया घर बनने वाला है, और ये सामने हाइड्रेन है और इसके आगे इतना काम हुआ है अभी तक, ये वॉल हुआ है. और ये जो गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक गेट बनेगा ठीक सामने. ये गैराज है, यहाँ से, यहाँ पे हम कार रखते थे पहले भी और आगे भी यही पे रहेगा. उसके बाद बीच में एक स्लाइडिंग बड़ा गेट और वो छोटा सा गेट, उसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा पिलर को और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए. वहाँ पे एक छोटा सा गेट होगा जो हमारे ये नए घर पे, जो नया घर बनने के बाद जो ग्राउंड फ्लोर होगा वहाँ जो लोग रेंट पे रहेंगे उन लोगों के लिए वो छोटा गेट. और ये वॉल बनना बाकी है और इधर हमारा मेन गेट बनेगा. तो चलिए स्लैब के पास जाकर देखते हैं. मैं रूम के अंदर आ गई हूँ और यहाँ से विंडो से मैं वीडियो ले रही हूँ पूरा एरिया अच्छे से दिखाने के लिए. मैं इधर से आई थी और ये सामने ही सेफ्टी टैंक हुआ करता था पुराना, इसको कल ही तोड़ा गया, उसके पहले साफ किया गया था और कल ही सुबह तोड़ा गया है इसको. यहीं पे बनेगा सेफ्टी टैंक, लेकिन थोड़ा सा आगे ये जो टीन वाला एरिया दिख रहा है ना, टीन वाली एरिया, उस जगह पे, मतलब गैराज सेफ्टी टैंक के ऊपर ही हो बनेगा. और जो ये जो नया घर बनेगा इसका जो ग्राउंड फ्लोर है, वो जो पिछला जो घर था, पहले जो घर था मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर, वो जिस तरह का था, जिस पोजीशन पे जो जो रूम थे उसी तरह का, मतलब नियरली सेम बनेगा. क्योंकि मेरी मम्मी की इच्छा है वो कि उसी तरह का डिट्टो ना भी बने, फिर भी ऐसा लगे कि हाँ मतलब वैसा ही है, बस याद रखने के लिए, मेमोरी के लिए. तो नीचे वाला 1 BHK बनेगा, हॉल बनेगा और किचन बाथ. और फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि मैं रहने वाली हूँ, मतलब हम लोग, तो वो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ 2 BHK हॉल किचन बाथ के साथ. मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. बहुत जल्दी आऊँगी नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय.